गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम क्लास 10 आईटी कोड 402 के इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट चैप्टर के और कुछ न्यू टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। सो आज के क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक, उनमें से जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है, फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, व्हाट इफ सिनेरियोज। सो व्हाट इफ सिनेरियोज एक कैसा टूल है और इस तरह के टूल को हम क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में आज हम कंप्लीट प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे। ओके, शुरू करते हैं डिस्कशन। पहले उसका डेफिनेशन मैं बता देता हूँ, व्हाट इफ सिनेरियोज टूल है क्या। सिनेरियो का मतलब क्या है, एक सिचुएशन, एक कंडीशन। सिनेरियो का मतलब क्या है, एक सिचुएशन या फिर एक कंडीशन। तो अगर हम एक कंडीशन को बेस करके कुछ जजमेंट कर रहे हैं या फिर कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके, अगर हम क्या कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस को लेके अगर हम कुछ रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं जिन टूल्स के द्वारा, उन टूल्स को हम क्या बोलेंगे, व्हाट इफ सिनेरियोज टूल। सो व्हाट इफ सिनेरियोज इज अ टूल बाय यूजिंग व्हिच वी कैन कैलकुलेट द रिजल्ट और आउटपुट बाय डिपेंडिंग अपन द चेंजिंग कंडीशंस। ओके, अलग अलग कंडीशंस को लेके अगर हमें कुछ रिजल्ट निकाल के देखने हो तो वो हम जिस टूल के मदद से इजीली कर सकते हैं उस टूल को हम बोलेंगे व्हाट इफ सिनेरियो टूल। इट इज अ टूल बाय यूजिंग व्हिच वी कैन इजीली कैलकुलेट और वी कैन इजीली कंप्यूट द रिजल्ट और आउटपुट बाय डिपेंडिंग अपन द चेंजिंग कंडीशन। ओके, अलग अलग कंडीशंस में अगर हम वैल्यूज चेंज कर रहे हैं और उस चेंजेस चेंजिंग वैल्यूज को डिपेंड करके अगर हम अलग अलग रिजल्ट्स जेनरेट करके वही सेम बॉक्स में देखना चाहते हैं तो वो हम जिस टूल के द्वारा कर सकते हैं उस टूल को बोलते हैं व्हाट इफ सिनेरियोज टूल। ओके, तो इसका एक पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल स्क्रीन में अवेलेबल होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमें यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है, वहां पे क्या है, देखो एक लोन अमाउंट है और नंबर ऑफ इयर्स हमें गिवन है। ओके, इंटरेस्ट रेट जो है वो फिक्स्ड है और उसी इंटरेस्ट रेट को बेस करके कितने अमाउंट का हम लोन ले रहे हैं और कितने साल का हम लोन ले रहे हैं उसको लेके, इन वैल्यूज को लेके क्या होगा, हमारा पर मंथ मतलब ईएमआई कॉस्ट पर मंथ कितना होगा, लोन को मिला के, लोन अमाउंट को मिला के, इंटरेस्ट अमाउंट को मिला के हमारा टोटल अमाउंट कितना होगा और हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। ओके, यहाँ पे ये कैलकुलेट करके हमें शो कर रहा है। हम चाहते हैं कि अगर हम लोन अमाउंट चेंज कर करके चेक करें या फिर नंबर ऑफ इयर्स, लोन अमाउंट क्लियर करने का नंबर ऑफ इयर्स जो है उसको हम चेंज कर करके क्या करें, चेक करें कि कितना ईएमआई आएगा, टोटल अमाउंट कितना आएगा, ये हम चेक करना चाहते हैं। तो ये हम व्हाट इफ सिनेरियो टूल को यूज करके कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमारा सिनेरियो क्या है कि अगर लोन 25 कितना है, 2,50,000 अगर हमारा यहाँ पे लोन अमाउंट है एंड इस लोन अमाउंट को हमें कितने साल में क्लियर करना है, 6 साल में क्लियर करना है, तो यहाँ पे सिर्फ उसका ही रिजल्ट हमें शो कर रहा है। पर अगर हम चाहते हैं कि हम लोन अमाउंट एंड नंबर ऑफ इयर्स को चेंज कर करके अलग अलग कंडीशंस में हम रिजल्ट चेक करें ताकि हम जितना अमाउंट, जितना ईएमआई पर मंथ पे कर सकते हैं हमारे डिजायर्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें आउटपुट मिल सके और ताकि उसके बाद हम क्या कर सकें, उन वैल्यूज को यूज करके लोन ले सकें उतने साल के लिए। ओके, तो व्हाट इफ सिनेरियो एक ऐसा टूल है जहां पे हम कुछ सेल के वैल्यूज को चेंज कर करके क्या करना चाहते हैं, अलग अलग आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं ताकि हमें हमारे डिजायर्ड आउटपुट मिले। ओके, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम आज के क्लास में प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो उसके लिए हमें स्टेप्स के पास जाना पड़ेगा, तो क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना है उस चीज को हमें देखना पड़ेगा। तो आई थिंक ये सबको समझ आ चुका होगा कि व्हाट इफ सिनेरियो टूल है क्या। ये एक ऐसा टूल है जहां पे हम क्या करते हैं, मतलब कुछ चेंजिंग कंडीशंस को अडॉप्ट करके, मतलब कुछ सेल के वैल्यूज को चेंज कर करके अगर हम हमारे डिजायर्ड आउटपुट को ढूंढना चाहते हैं तो वो हम व्हाट इफ सिनेरियो टूल के द्वारा कर सकते हैं। ओके, तो स्टेप्स पहले देखते हैं। फर्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे क्या दिया है, सिलेक्ट द सेल। ओके, सिलेक्ट द सेल विच कंटेन्स वैल्यूज इन द सेट दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। उन सेल को सिलेक्ट करो। ओके, उन सेल को सिलेक्ट करो उन टोटल सीट में से
जिनका वैल्यूज हमें चेंज कर करके क्या करना है, जिनका वैल्यूज हमें चेंज कर करके हमारे डिजायर्ड आउटपुट्स हमें देखने हैं। ओके, सिलेक्ट द सेल विच कंटेन्स वैल्यूज इन द सीट दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। हमारे सीट में उन सेल को सिलेक्ट करो जिन सेल के वैल्यूज को चेंज कर करके हम क्या करना चाहते हैं, जिन सेल के वैल्यूज को चेंज कर करके हम अलग अलग रिजल्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। टू सिलेक्ट मल्टीपल सेल्स, अगर हमें मल्टीपल सेल्स के वैल्यूज को चेंज कर करके हमें हमारे सिचुएशंस के हिसाब से आउटपुट देखने हैं, तो CTRL की को प्रेस करके हम जितना सेल चाहें उतने सेल्स को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद जिन सेल्स का वैल्यू चेंज कर करके हमें आउटपुट देखना है, उन सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम स्टेप टू में कहाँ जाएंगे, टूल्स टैब में जाएंगे। टूल्स टैब में जाने के बाद सिनेरियोज कमांड में क्लिक करेंगे, देन सिनेरियो डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा। सिनेरियो डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद वहां पे हम सिनेरियो हमारे सिचुएशन का एक नाम देंगे। ओके, देन लिव द अदर फील्ड्स अनचेंज्ड, और बाकी फील्ड्स में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ओनली न्यू नेम देंगे हम सिनेरियो को, एंड ओके बटन में क्लिक कर देंगे। ओके, तो वो ऑटोमेटिकली फिर क्या करेगा, हमें वो सिनेरियो क्रिएट करके दे देगा। ओके, तो इसका हम टोटल ये स्टेप्स हैं, तो इसी स्टेप को हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी मैंने इस एग्जाम्पल को समझाया कि लोन अमाउंट एंड कितने साल में उस लोन को क्लियर करना है, वो जो वैल्यूज को हमें चेंज करके क्या करना है, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग कंडीशंस में हमें चेक करने हैं कि कितने ईएमआई हमारे आने वाले हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे पहले ऐसा एक सेट बना लेना है जहाँ पे लोन अमाउंट खुद से एंटर करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स खुद से एंटर करेंगे, इंटरेस्ट रेट भी हम खुद से एंटर करेंगे, पर ईएमआई टोटल अमाउंट एंड टोटल इंटरेस्ट हम यहाँ पे एक फॉर्मूला फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ईएमआई का फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला अप्लाई करना ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए। ओके, ये ईएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को इस सेल में अप्लाई करना है। उसके बाद टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें पुट कर देना है। टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल अमाउंट मतलब टोटल कितना हमारा पर मंथ ईएमआई हो रहा है, इनटू हम उसको क्या कर रहे हैं, कितने साल के लिए क्लियर कर रहे हैं, और हर साल में 12 महीना है तो इनटू 12। ओके, टोटल अमाउंट ये कैलकुलेट करेगा। उसके बाद ये टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा, कितना लोन हमने लिया था और टोटल अमाउंट हमें कितना देना पड़ रहा है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना देना पड़ा वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। ये तीन सेल्स में ये फॉर्मूला इसी हिसाब से डाल देना कैलकुलेट करने के लिए, ईएमआई टोटल अमाउंट एंड टोटल इंटरेस्ट। अभी हम क्या करेंगे, उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिन सेल्स के वैल्यूज को चेंज कर करके हम अलग अलग आउटपुट देखना चाहते हैं। तो अगर मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करना है, मुझे यहाँ पे लोन अमाउंट भी चेंज कर करके देखना है एंड नंबर ऑफ ईयर्स को भी चेंज कर करके देखना है। ओके, तो CTRL प्रेस करके दोनों सेल को सिलेक्ट करना, दोनों सेल को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद सिनेरियोज में जाएंगे, तो सिनेरियो डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे हम हमारे सिनेरियो का नाम दे देंगे। ओके, तो यहाँ पे सिनेरियो का नाम सपोज मैंने दे दिया लोन। ओके, और बाकी कोई भी चीज यहाँ पे चेंज नहीं करना है, जो चीज जैसा है वैसा रहने देना है, ओके में क्लिक कर देना है। ओके, ये सिनेरियो क्रिएट हो गया, इसको थोड़ा नीचे ड्रैग करके ले आते हैं ताकि वो हाइड हो जा रहा है, इसीलिए अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसको। ओके, और अगर फिर भी हाइड होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा अपने हिसाब से बाद में छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पे हमारा जो लोन अमाउंट है, ये लोन अमाउंट हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, उसकी तरह एक बॉक्स हमें देख यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स हम चेंज कर सकते हैं, चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सपोज मुझे 25 लाख की जगह अगर मैं सॉरी वो 2,50,000 के बदले अगर मैं 1,25,000 का मैं लोन अमाउंट लूँ वही 6 साल के लिए। ओके, देखो वैल्यूज चेंज हो रहा है कि नहीं, तो अलग अलग वैल्यूज हम लेके यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं 1,25,000 का इंटरेस्ट अगर मैं 8 साल में क्लियर करूँ तो तब रिजल्ट क्या आएगा, तब ईएमआई मुझे पर मंथ कितना होगा, टोटल अमाउंट मेरा कितना होगा, टोटल इंटरेस्ट मुझे कितना देना पड़ेगा, ये सब चीज हम यहाँ पे अभी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अलग अलग सिनेरियोस के लिए किस तरह का आउटपुट जनरेट होगा। मतलब अगर मैं
250,000 का लोन 6 साल के लिए लूँ तो उसके लिए ईएमआई कितना आएगा, टोटल अमाउंट कितना आएगा। अगर मैं 125,000 का लोन लूँ 8 साल के लिए तो मुझे पर मंथ ईएमआई कितना आएगा, टोटल मेरा अमाउंट कितना होगा, टोटल इंटरेस्ट मुझे एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा। तो अलग अलग वैल्यूज को हम यहाँ पे इनपुट दे के अभी क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अलग अलग आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। मतलब जो भी हमारा डिजायर्ड आउटपुट होगा उस डिजायर्ड आउटपुट को हम इजीली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उसी चीज को यहाँ पे हमने नोट्स में भी मेंटेन किया है, वही एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप वन में क्या करो, स्टेप वन में एक सेट क्रिएट कर लो, जैसे कि हमने सेट क्रिएट किया है। उसके बाद जहाँ पे ईएमआई हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ईएमआई कैलकुलेट हम किस में कर रहे हैं, सेल B3। तो B3 में यहाँ पे जो फॉर्मूला गिवन है इस फॉर्मूला को पुट करो, ये फॉर्मूला क्या करेगा, ईएमआई कैलकुलेट करेगा। ओके, अगर नेगेटिव में भी वैल्यू आ रहा होगा तो उसको वो क्या करेगा, एब्सोल्यूट फंक्शन यूज करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो उसके बाद B4, B4 में जिसमें हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला उसमें डाल देना। उसके बाद टोटल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें, उसमें डाल देना है हमें ये। ओके, इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल इंटरेस्ट, ये B5 है, B5 में तो ये बाय मिस्टेकली B8 हो गया है। ओके, B5 में हम डाल देंगे ये फॉर्मूला, B5 में डालेंगे क्या, B4 - B1, तो ये टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देगा। ओके, तीनों सेल्स में फॉर्मूला हमने डाल लिया, पहले हमने लोन अमाउंट ले लिया, इंटरेस्ट रेट ले लिया हमने, नंबर ऑफ इयर्स हमने ले लिया, उसके बाद ईएमआई, टोटल अमाउंट एंड टोटल इंटरेस्ट में हमने फॉर्मूला डाल के उसको हमने कैलकुलेट कर दिया। तो ये तो हमने एक कंडीशन, एक सिचुएशन लेके हमने यहाँ पे काउंट किया ईएमआई, टोटल अमाउंट, टोटल इंटरेस्ट। हम चाहते हैं कि लोन अमाउंट चेंज कर करके हम चेक करें, नंबर ऑफ इयर्स लोन क्लियर करने का, नंबर ऑफ इयर्स हम चेंज कर करके चेक करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट इफ सिनेरियो टूल को यूज करेंगे। ओके, तो जिन सेल के वैल्यूज को चेंज करके हमें रिजल्ट्स देखने हैं उन सेल्स को हम क्या करेंगे, मल्टीपल सेल्स अगर हमें सिलेक्ट करने हैं तो हम CTRL की को प्रेस करके उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। ओके, जैसे कि हमने B1 एंड E1 इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज को चेंज करके हम रिजल्ट देखना चाहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम टूल्स टैब में क्लिक करेंगे एंड सिनेरियोज कमांड में क्लिक करेंगे, तो सिनेरियो यहाँ पे सिनेरियो डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। सिनेरियो डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ द सिनेरियो, सिनेरियो का नाम हमें दे देना है, एक नाम दे देना है हमें उस सिचुएशन का। ओके, वहां पे नेम दे देने के बाद सिर्फ ओके में देखो, यहाँ पे जैसे कि मैंने नेम दे दिया, नेम देने के बाद कहाँ पे क्लिक करना है और कुछ भी चेंज नहीं करना है, ओके में क्लिक कर देना है। ओके में क्लिक कर दोगे तो ऐसा हमारे सीट में ऐसा आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लोन अमाउंट एंड नंबर ऑफ इयर्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर करके अलग अलग वैल्यूज के लिए हम यहाँ पे आउटपुट्स देख सकते हैं। ओके, तो जिसके द्वारा हमारा जो भी डिजायर्ड आउटपुट है वो हम क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। ओके, सो आई थिंक सबको समझ यहाँ पे आ चुका होगा कि व्हाट इफ सिनेरियोस टूल को यूज करके अगर हम मल्टीपल कंडीशंस को लेके आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हमने ये फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस किया। तो उसी हिसाब से यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है खुद को प्रैक्टिस करने के लिए, व्हाट इफ सिनेरियोस टूल को यूज करके। देखो, इनकम स्लैब, इनकम स्लैब मतलब जैसे कि कोई भी एम्प्लॉई पहले उनको जॉब मिलता है तो उनका एक इनकम स्लैब होता है। इनकम स्लैब होता है मतलब सपोज मतलब कितने प्राइस से उनका, मतलब कितने अमाउंट से उनका सैलरी शुरू होगा, ओके, और कितने अमाउंट तक उनका सैलरी बढ़ के जा सकता है, ये होता है इनकम स्लैब। मतलब एक रेंज ऑफ सैलरी, मतलब कितने से कितने रेंज के अंदर सैलरीज हो सकते हैं वो होता है इनकम स्लैब। उसके बाद टैक्स रेट, कितने प्राइस, मतलब अगर हमारा जैसे कि अगर हमारा 3 लाख से ज़्यादा हमारा प्राइस हो जाता है तो उसके लिए हमारा 5% टैक्स लगता है, अगर हमारा 6 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे 10% का टैक्स लगता है। तो ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा असाइन किए गए हैं कि कितने लाख से ऊपर अगर अर्निंग होता है तो कितना परसेंट का टैक्स लगता है। ओके, तो एक एम्प्लॉय क्या करना चाहता है कि साल के एंड में उनको टैक्स देना होता है, तो वो अपने इनकम स्लैब के थ्रू अपने जो भी इनकम स्लैब के हिसाब से जो भी अपना टैक्स रेट है उसको पुट करके, अपना इनकम स्लैब पुट करके वो देखना चाहते हैं कि उनका पर ईयर टोटल सैलरी जो है उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स आ सकता है। ओके, इनकम स्लैब वहां पे एंटर करेंगे और यहाँ पे अपना सैलरी एंटर करेंगे। ओके, यहाँ
यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना सैलरी एंटर करेंगे। सैलरी एंटर करने के बाद उस सैलरी को बेस करके यहाँ पे जो भी हम टैक्स रेट दिए होंगे उस टैक्स रेट के हिसाब से वो हमें क्या करेगा, उस टैक्स रेट के हिसाब से वो हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करके देगा। ओके, ये एक एग्जाम्पल, ये एक क्वेश्चन दिया गया है तुम लोगों को खुद से प्रैक्टिस करने के लिए। अभी हमने जैसे व्हाट इफ सिनेरियो टूल को यूज करके एक एग्जाम्पल लिया, उसी हिसाब से यहाँ पे करना है। ओके, तो क्या करोगे, तो ये ऊपर का जो 200 सेल है इनको सिलेक्ट करोगे, CTRL प्रेस करके इसको सिलेक्ट करोगे। देन टूल्स टैब में जाके क्या करोगे, सिनेरियो में क्लिक करके सिनेरियो में नाम दे दोगे। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है टैक्स। ओके, सिनेरियो का नाम दे दोगे टैक्स, और उसके बाद ओके में क्लिक कर देना तो ऐसा बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद अपना इनकम, उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, अपना सैलरी एंटर करोगे। सैलरी एंटर करने के बाद यहाँ पे फॉर्मूला, फॉर्मूला यहाँ पे डालोगे। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला डालोगे, क्या फॉर्मूला डालोगे, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डालोगे कि जितना भी सैलरी होगा है कि नहीं, वो कितने स्लैब के, यहाँ पे ऐसा कोशिश करना कि जब हम स्लैब डाल दें तो स्लैब के हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैक्स रेट आ जाए। ओके, अगर ये कर सकते हो तो, अगर नहीं कर सकते डायरेक्टली यहाँ पे टैक्स रेट लिख सकते हो। यहाँ पे सैलरी एंटर करोगे, सैलरी एंटर करने से इस टैक्स रेट को बेस करके ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करके दे देना चाहिए। ओके, ये तुम लोगों के लिए टास्क है, ये खुद से करके करके रिजल्ट देखने की कोशिश करना। तो आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा व्हाट इफ सिनेरियोस टूल। ये दिया है देखो कितने से कितने इनकम स्लैब के लिए कितना परसेंट टैक्स लगता है, कितने से कितने इनकम स्लैब के लिए कितना परसेंट टैक्स लगता है, ये पहले से दे दिया है। ये अगर खुद से कंडीशंस दे के सेट कर सकते हो तो बेहतर है, अगर नहीं कर सकते तो डायरेक्टली टैक्स रेट को पुट करके भी क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं टैक्स अमाउंट। ओके, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे टेबल है, देखेंगे अगर हमारा स्लैब इसके अंदर आ रहा है मतलब हमारा 20% टैक्स लगेगा, इसके अंदर अगर स्लैब आ रहा है तो 50% टैक्स लगेगा, 15% टैक्स लगेगा। तो इस हिसाब से व्हाट इफ सिनेरियो टूल को यूज करके उस एग्जांपल को करने की कोशिश करना। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, व्हाट इफ एनालिसिस टूल। ओके, इस टूल को हम कब यूज करते हैं, इस टूल को हम क्यों यूज करते हैं। व्हाट इफ सिनेरियो टूल में हमने देखा कि हम रिजल्ट पहले से जिस सेल में दिखा रहा था वही सेल में ही हमें क्या करना है, रिजल्ट्स को चेंज कर करके देखने हैं, तो तब हम व्हाट इफ सिनेरियोस टूल को यूज करेंगे। पर व्हाट इफ एनालिसिस टूल हम कब यूज करेंगे, सपोज हमने एक एनालिसिस किया है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं तो समझ आएगा आसान तरीके से। ओके, जैसे कि अभी एग्जांपल देख सकते हो, तो यहाँ पे जैसे कि हमने एक एनालिसिस खुद से किया है, ये एनालिसिस जो है जो मैंने सिलेक्ट किया है, इस एनालिसिस को हमने खुद से किया है, जहाँ पे देखो हमने सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमने लिया कि एक प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस इतना है, हमने उसको सेल किया 35 में। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो मेरा एक्सपेंसेस है, ओके एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो है वो 5,000 है, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेबर चार्ज हो सकता है, वो मेरा 5,000 का एक्स्ट्रा क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। ओके, हर साल का एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट है। और उसके बाद मैंने लिया है कितना प्रोडक्ट मैंने एक साल में सेल किया है, 1,500, तो कितना प्रॉफिट मुझे आना चाहिए। ओके, तो ये एक एनालिसिस मैं करूंगा, ये एक साल का एनालिसिस मैं करूंगा इन टोटल डाटा को लेके। ओके, इन एनालिसिस को लेके मुझे क्या करना है, यहाँ पे बाकी मतलब यहाँ पे जैसे कि मैंने हमने मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया कि अगर मैं 1,500 आइटम्स सेल कर रहा हूँ जहाँ पे कॉस्ट प्राइस 15 है, सेलिंग प्राइस 35 है और मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो है 5,000 है। ओके, तो इस एनालिसिस को बेस करके अगर मैं बाकी वैल्यूज का भी एनालिसिस ऑटोमेटिकली जनरेट हो चाहता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1,500 प्रोडक्ट का अगर सेलिंग कर रहा हूँ तो कितना प्रॉफिट है वो पता चलेगा, उसी सेम फॉर्मूला को यूज करके अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि अगर मैं 500 प्रोडक्ट सेल करता तो कितना प्रॉफिट होता, अगर मैं 2,000 प्रोडक्ट सेल करता कितना प्रॉफिट होता, अगर मैं 4,000 प्रोडक्ट सेल करता कितना प्रॉफिट होता, है कि नहीं। मतलब एक सिंगल एनालिसिस को डिपेंड करके अगर हम अलग अलग मल्टीपल वैल्यूज के लिए, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज के लिए अगर हम ऑटोमेटिकली एनालिसिस जेनरेट हो जाए हम चाहते हैं, तो वो हम व्हाट इफ एनालिसिस टूल को यूज करके कर सकते हैं। सो व्हाट इफ एनालिसिस इज ए टूल बाय यूजिंग व्हिच
वी कैन जेनरेट एनालिसिस और वी कैन जेनरेट द आउटपुट फॉर ए लिस्ट ऑफ वैल्यू बाय डिपेंडिंग अपन ए सिंगल एनालिसिस। एक सिंगल एनालिसिस को डिपेंड करके अगर हम मल्टीपल वैल्यूज के एनालिसिस करना चाहते हैं, रिजल्ट निकालना चाहते हैं, तो वो हम व्हाट इफ एनालिसिस टूल के द्वारा कर सकते हैं। ओके तो पहले हम एक एनालिसिस कर लेते हैं। जो भी वैल्यूज तो हमें लेना था, हमने वैल्यूज ले लिया है। यहाँ पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए तो फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना ठो प्रोडक्ट हमने सेल किया है, ओके, इनटू पैरेंथेसिस ओपन, हर एक प्रोडक्ट में हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके तो हर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट कितना है, बी वन माइनस बी टू। टोटल कितना प्रोडक्ट हमने सेल किया, बी फोर में जो वैल्यूज है कि नहीं। तो ये टोटल हमारा क्या हुआ, अर्निंग हुआ, ये प्रॉफिट नहीं हुआ है, टोटल अर्निंग हुआ है। टोटल अर्निंग से फिर हमें क्या करना है, टोटल अर्निंग से हमें माइनस करना है फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, उसको हमें काट के निकाल देना है। अभी जो वैल्यू बचेगा वो हमारा प्रॉफिट है, एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ पे, हमारा प्रॉफिट यहाँ पे आ गया 25,000। ओके पर ईयर प्रॉफिट हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 25,000। ये हमने एक एनालिसिस किया। मैं चाहता हूँ कि इस एक एनालिसिस, मतलब यहाँ पे मैं जब भी एनालिसिस में कुछ भी चेंज करूँ, ओके, अभी मैंने जहाँ पे एनालिसिस किया वहाँ पे अगर मैं एनालिसिस करके फ्यूचर में कभी भी कुछ भी चेंजेस करूँ, वही चेंजेस मुझे इस लिस्ट में दिखाई दे, तो वो हम व्हाट इफ एनालिसिस टूल के द्वारा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके स्टेप्स के बारे में देखेंगे यहाँ पे। ओके तो व्हाट इफ एनालिसिस टूल क्या है, ये तो मैंने समझा दिया, स्टेप्स देखते हैं कैसे कर सकते हैं। पहले एंटर द डाटा इन द सेल्स एंड देन एंटर ए फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रिजल्ट फ्रॉम द वैल्यूज। मतलब पहले कुछ सेल्स में डाटा ले लो, वैल्यूज ले लो, ओके और वैल्यूज लेने के बाद फिर क्या करो, फॉर्मूला डाल के और एक सेल में एनालिसिस कर लो, उसको एक सिंगल एनालिसिस पहले कर लो। ओके सिंगल एनालिसिस करने के बाद, जैसे कि हमने यहाँ पे ये सिंगल एनालिसिस कर लिया है, जो मैंने सिलेक्ट किया है वहाँ पे सिंगल एनालिसिस हमने कर लिया है। सिंगल एनालिसिस करने के बाद स्टेप टू में क्या बोला है, क्रिएट एन एरे ऑफ इनपुट वैल्यूज ऑन द बेसिस ऑफ विच द आउटपुट इज टू बी जेनरेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। एक एनालिसिस हमने कर लिया, और एक टेबल बनाओ जहां पे दो कॉलम्स लो, एक कॉलम इनपुट के लिए और एक कॉलम आउटपुट के लिए। ओके जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया एक कॉलम इनपुट के लिए, एक कॉलम आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे हमने इनपुट के हिसाब से किसको लिया है, एनुअल सेल मतलब आइटम्स सोल्ड। ओके मतलब एक साल में अगर हम 500 प्रोडक्ट सेल करें तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, 1000 प्रोडक्ट सेल करें कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो ये 500, 1000 ये जो है ये इनपुट है, लिस्ट ऑफ इनपुट है, एरे ऑफ इनपुट है, और प्रॉफिट में हमें जो दिखेगा वो है लिस्ट ऑफ आउटपुट। ओके तो यहाँ पे एक एनालिसिस हमने कर लिया एक टेबल बना के, और एक टेबल में हमने क्या किया, मेंशन कर दिया कि अगर हम एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें कितना आउटपुट मिलेगा, हमने उसका और एक टेबल बना लिया। ओके तो सेकेंड टेबल भी हमारा यहाँ पे रेडी है। उसके बाद सिलेक्ट द सेल रेंज ऑफ इनपुट एरे एंड आउटपुट एरे। उसके बाद क्या करो, इनपुट एरे एंड आउटपुट एरे, इनपुट एरे मतलब एनुअल सेल जो कि हमारा कहाँ से कहाँ तक है, जो कि हमारा इनपुट सेल कहाँ से शुरू करेंगे, इनपुट एरे मतलब यहाँ से वैल्यू है कि नहीं, ये इनपुट एरे है और ये प्रॉफिट वाला जो है आउटपुट एरे है, इन सबको सिलेक्ट कर दो बोला है, इन सबको हमने सिलेक्ट कर दिया। ओके पहले सिंगल एनालिसिस किए, सिंगल एनालिसिस के करने के बाद उस एनालिसिस को बेस करके हमें जो दूसरे टेबल में रिजल्ट देखना है उस टेबल को क्रिएट किए, जिसमें एक इनपुट कॉलम होगा एक आउटपुट कॉलम होगा। ओके उसके बाद हम उन इनपुट एंड आउटपुट कॉलम्स के जो लिस्ट हैं उनको हमने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद कहाँ क्या करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे, देन मल्टीपल ऑपरेशंस में जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, मल्टीपल ऑपरेशंस कमांड में क्लिक करेंगे तो मल्टीपल ऑपरेशन डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। ओके कहाँ पे जाने के लिए बोला था, डेटा में जाएंगे। ओके डेटा में जाने के बाद कहाँ पे जाने के लिए बोला है, मल्टीपल ऑपरेशंस कमांड में क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिए तो मल्टीपल ऑपरेशन डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या करना है, स्टेप फाइव में एंटर द सेल एड्रेस इन द फॉर्मूला बॉक्स फ्रॉम द सेट विच कंटेन्स द फॉर्मूला। ओके तो हमने
एक सिंगल एनालिसिस जिस फॉर्मूला को लेके किया था, वो फॉर्मूला हमने जिस सेल में डाला है, वो फॉर्मूला हमने कौन से सेल में डाला है? वो फॉर्मूला हमने डाला है B5 सेल में। किस सेल में डाला है? B5 सेल में। तो उसी सेल का नाम हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूलाज बॉक्स में मेंशन कर देंगे। ओके, तो जब भी हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, हम नहीं चाहते वो फॉर्मूला चेंज हो, वो वही सेम फॉर्मूला रहे हम जबकि चाहते हैं, तो इसीलिए हम डॉलर साइन यूज करके उसको एब्सोल्यूट करेंगे। क्या करेंगे? एब्सोल्यूट एड्रेस। ओके, तो जिस सेल में हमने फॉर्मूला डाला था, उस सेल का नाम हमने फॉर्मूला बॉक्स में मेंटेन कर दिया या फिर मेंशन कर दिया, है कि नहीं? उसके बाद क्या बोला है, नाउ एंटर द सेल एड्रेस ऑफ द सेल विच इज ए वेरिएबल एंड इज यूज्ड इन द फॉर्मूला इन द कॉलम इनपुट सेल बॉक्स। ओके, तो सिंपल तरीके से अगर हम समझें, तो यहाँ पे जो वैल्यूज चेंज हो रहा है, यहाँ पे किसका वैल्यू चेंज होगा? आइटम्स सोल्ड का। एनुअल सेल में जो हमने 500, 1000, 1500 जो लिया है, वो किसका वैल्यूज है, मतलब वो किसका वैल्यू चेंज कर रहा है, किसका वैल्यू चेंज कर करके हमें रिजल्ट दिखा रहा है? आइटम्स सोल्ड का, है कि नहीं? तो उस सेल को हम क्या करेंगे, अभी उस सेल का नाम हम वहां पे मेंशन कर देंगे। ओके, तो उस सेल का नाम हम कहाँ पे मेंशन करेंगे? कॉलम इनपुट सेल में। ओके, ये कॉलम इनपुट सेल में क्या करेंगे, कॉलम इनपुट सेल में मेंशन करेंगे उस सेल का एड्रेस या फिर उस सेल का नाम जिस सेल के वैल्यूज को हम चेंज कर करके रिजल्ट देखना चाहते हैं। ओके, जिस सेल के वैल्यूज को हमने लिस्ट ऑफ एरे में एज ए इनपुट लिस्ट लिया है, उसको हमने दिया यहाँ पे। उसको देने के बाद हम क्या करेंगे, उसको देने के बाद स्टेप 6 तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। स्टेप 6 कंप्लीट होने के बाद ओके में क्लिक करेंगे। ओके, वही देखो यहाँ पे किया गया है, पहले एक सेट हमने क्रिएट किया, उसके बाद हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डाल के एक सिंगल एनालिसिस कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे उस सिंगल एनालिसिस को बेस करके जो हमें बाकी लिस्ट ऑफ वैल्यूज के लिए आउटपुट चाहिए वो टेबल हमने बना लिया, जहाँ पे एक इनपुट लिस्ट एक आउटपुट लिस्ट होंगे। देन उन इनपुट एंड आउटपुट लिस्ट को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे एंड मल्टीपल ऑपरेशंस कमांड में क्लिक करेंगे। वहां पे क्लिक करने के बाद फॉर्मूलाज टैब में हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज टैब में उस सेल का नाम डाल देंगे जिस सेल में हमने फॉर्मूला पुट किया है एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद हम इनपुट सेल के हिसाब से जिसको ले रहे हैं, ओके, इनपुट सेल के हिसाब से हम जिसको ले रहे हैं उसका नाम हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका नाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, इनपुट सेल के हिसाब से हम जिसको ले रहे हैं उसका नाम हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, और उसके बाद ओके में क्लिक कर देंगे तो हमें आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके, चलो कोशिश करते हैं। देखो आउटपुट आ चुका है यहाँ पे, है कि नहीं? तो एनालिसिस हो चुका है यहाँ पे। तो एनालिसिस हमने देखा कि अगर हम 1500 प्रोडक्ट को एक साल में सेल कर रहे थे तो हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा था, 25,000, है कि नहीं? देखो वही यहाँ पे भी आ रहा है 25,000, मतलब हमारा एनालिसिस सही है। पर अगर हम 500 प्रोडक्ट को सेल करते तो पर ईयर प्रॉफिट हमें कितना मिलता, 5,000। 4,000 प्रोडक्ट सेल करते कितना प्रॉफिट मिलता, 3,000 प्रोडक्ट सेल करते कितना प्रॉफिट मिलता। तो यहाँ पे हमें एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज के लिए एनालिसिस मिल गया। तो इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हम ऐसे एनालिसिस करके खुद का टारगेट सेट कर सकते हैं कि हमें एक साल में इतना प्रोडक्ट क्या करना है, सेल करना है। तो आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा कि एक सिंगल एनालिसिस करके उसी एनालिसिस को बेस करके हम कैसे बाकी लिस्ट ऑफ इनपुट्स के लिए आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, ताकि हम कोई भी काम शुरू करने से पहले पता कर सकें कि हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, ताकि हम जितना प्रॉफिट चाहते हैं उतना प्रॉफिट हम क्या कर सकें, गेन कर सकें या फिर अर्न कर सकें। तो व्हाट इफ एनालिसिस टूल का यूज पता चला, अगर हम एक सिंगल एनालिसिस से मल्टीपल मतलब वैल्यूज के एनालिसिस करना चाहते हैं तो व्हाट इफ एनालिसिस टूल्स को यूज करेंगे। व्हाट इफ सिनेरियो टूल को हम क्यों यूज करते हैं, अगर हम अलग अलग चेंजिंग कंडीशंस को बेस करके वही सेम सेल्स में ही रिजल्ट देखना चाहते हैं तो व्हाट इफ सिनेरियो टूल को यूज करके वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस टूल के यूज को हमने जाना, उसके रिलेटेड यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है तुम लोगों के लिए। ओके, बुक का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दिया है, कितना बुक्स एक साल में सेल हुआ वो हमने दिया, और उसके हिसाब से हमने यहाँ पे प्रॉफिट अपना काउंट किया। ओके, ये एक एनालिसिस हमने किया है।
उसी एनालिसिस को बेस करके अगर हम 500 प्रोडक्ट सेल करते हैं कितना प्रॉफिट होता, 2000 प्रोडक्ट सेल करते हैं कितना प्रॉफिट होता, वो एनालिसिस हमें निकालना है बाय यूजिंग व्हाट इफ एनालिसिस टूल। ओके, तो आई थिंक आज के क्लास में हमने ये जो दो टॉपिक डिस्कस किया वो सबको समझ आ चुका होगा। ओके, एंड ये जो दो प्रैक्टिकल करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है उसको सबको प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।